हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास आपकी रहेगी डियर आईटी इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए, जिसमें कि हम लेकर आए हैं आपके लिए निमी के एमसीक्यूज़। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं। तो डियर, क्लास को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नहीं भी आप यहाँ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, ठीक। देखिए, क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर 21, जिसमें आपसे पूछा है कि विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट, यानी कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, ठीक है। यानी कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है ना। तो ये आपसे पूछा है। गर्मी का मतलब आप समझ रहे हैं, यदि आपके आसपास में कहीं आग लगी होगी तो उससे क्या होगा, गर्मी के दिनों में आपको गर्मी महसूस होती है, क्या बोलते हैं उसको, कि तपस महसूस होती है ना। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर पूछी है कि गर्मी पैदा करती है। मोस्ट पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है, गर्मी पैदा करती है। तो भाई गर्मी क्या पैदा करती है, आग, है ना। बाकी हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन है वो क्या कह रहे हैं, क्या आंसर हमसे लेना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए, पुनः चक्रण यहाँ ये आपका दिया है रिसाइलिंग, यानी कि जैसे कि ऊर्जा होता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो उसको हम रिसाइलिंग भी कह सकते हैं, पुनः चक्रण, ठीक है। खाद, ये हम अपने खेतों वगैरह में डालते हैं, आपने देखा ही होगा, जो बच्चे जिनके फादर्स खेती करते हैं, जिनके घर खेती होती है ना, तो उनको इस बारे में पता होगा, जो खाद होता है यूरिया वगैरह या देसी खाद होता है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर है। अब आता है हमारा भस्मीकरण। देखिए, जब आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भस्म करना कहते हैं। मान लीजिए आपने कुछ कागज़ वगैरह कुछ जलाए तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने उसको भस्म कर दिया, है ना। वो फायर फायर मतलब अग्नि में आपने उसको क्या कर दिया, भस्म कर दिया। कोई कागज़ का टुकड़ा है और ये आपने अग्नि में डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा भस्मीकरण आ जाता है। राइट आंसर सी ऑप्शन, जो गर्मी पैदा करेगा, राइट। चलिए, क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 22, पूछा है कि विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी, कचरे के निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है। देखिए, कचरे के निपटान की विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है, ऐसी कौन सी हम यहाँ पर विधि का यूज़ करेंगे। तो ये आ जाता है हमारा रिसाइलिंग, यानी कि पुनः चक्रण। अब देखिए क्या है, डिस्पोजल आपने देखे होंगे, जो प्लास्टिक के ग्लास आते हैं, ब्याह शादियों में चलते हैं, है ना। तो वो क्या होता है डियर, जब वो हम मतलब उनको वेस्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि उनको ले जाकर उनकी प्लास्टिक से ही न्यू ग्लास बना दिए जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पुनः चक्रण बोलेंगे, ठीक है। चलिए, आ जाता है क्वेश्चन 23, पूछा है कि हाउ विल यू डायग्नोस द विक्टिम इज सफरिंग अंडर हार्ट अटैक अरेस्ट, यानी कि पीड़ित दिल का दौरा पड़ने से पीड़ित है, आप कैसे निदान करोगे। मान लीजिए आपके आसपास में, आपकी फैमिली में, फैमिली को चलिए नहीं बोलते हैं, कुछ मान लीजिए, देखिए क्या है कि टाइम का कुछ भी पता नहीं होता है, तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं, पता होनी चाहिए, राइट। तो देखिए क्या है कि यदि आपके आसपास में किसी को हार्ट अटैक आता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी वाहनी मतलब कि बाई जो हाथ होता है उससे क्या होता है कि दर्द उठना शुरू होता है, ठीक है, और पसीना ज़्यादा आता है। मान लीजिए किसी के हार्ट में दिल हो रहा है, हार्ट में दिल का बोल रही हूँ मैं, कि हार्ट में पेन हो रहा है, दर्द उठ रहा है, तो वो क्या हो सकता है, एक हार्ट अटैक का संकेत है, है ना। तो आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में यदि किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि जैसे कि मुंह है उसका, पीड़ित का मुंह है, आप उसके जरिए अपने मुंह से उनको ऑक्सीजन देने की कोशिश करें, और उनके जो है हार्ट है उसके ऊपर यदि आप हाथ दबाकर प्रेस करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं हाथ से, तो वो क्या हो जाता है, उनको उनका सांस लौट आता है, और मतलब कि आपका हार्ट अपनी गति पकड़ लेता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर
चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं हो सकता। भाई हार्ट अटैक है तो रीढ़ की हड्डी से क्या रिलेशन है? मुंह कस के बंद हो जाएगा, मुंह कस के बंद हो जाएगा तो वो तो मर ही जाएगा, है ना? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है 24, पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, इस औजार का क्या नाम है? ये आपको एक प्लायर दिया है और आपसे पूछा है कि ये किस प्रकार का प्लायर है, तो ये होता है आपका डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर जाएगा डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 25, पूछा है कि विच कंडीशन ऑफ द विक्टम इज रेफर्ड एज कोमा स्टेज, यानी कि पीड़ित की किस स्थिति को कोमा स्टेज कहा जाता है। अब आपने देखा होगा कि काफ़ी मूवीज़ वगैरह में दिखाया गया है, कुछ सॉन्ग भी ऐसे हैं जिसमें दिखाया गया है कि जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है ना तो वो हंसता है ना बोलता है ना, मतलब कोई भी मूवमेंट वो नहीं करता, तो उसको क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं ऐसी स्थिति को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाना चाहिए? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर जाएगा कि पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा जाएगा। देखिए सुनता वो सब है लेकिन बस बोलता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26, पूछा है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस गेज, इस गेज का क्या उपयोग है? ये गेज आपको दिया है, पूछा है कि इस गेज का क्या उपयोग है। तो देखिए इसका हम कहाँ पर उपयोग करते हैं, जो जोब होती है, जोब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने का हम इस मतलब कि आज जैसे आपने जोब बनाई उसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, इंटरनल रेडियस है, उसको क्या करेंगे? चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन आ जाता है 27, पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल, इस रेती का क्या नाम है? ये रेती आपको दी है और पूछा है कि इस रेती का क्या नाम है, तो ये होती है आपकी रास्पकट फाइल, रास्पकट रेती इसको हम कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 28, पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, इस औजार का क्या नाम है? ठीक, इस औजार का क्या नाम है ये आपसे पूछा है। तो ये का जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्या है? कैलीपर है। ठीक है, अब यहाँ पूछा है आपसे कि किस प्रकार का कैलीपर है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है हमें डिवाइडर, डिवाइडर हमारा बिल्कुल गलत जाएगा। तो हमें ये बताना है यहाँ पर कि ये किस प्रकार का कैलीपर है, तो ये होता है आपका इनसाइड कैलीपर, यानी कि आंतरिक कैलीपर इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, आंतरिक कैलीपर। चलिए क्वेश्चन आता है 29, पूछा है कि मोटाइजन छैनी का क्या उपयोग है? मोटाइजन छैनी का क्या उपयोग है? तो आपने देखी है लकड़ी, लकड़ी में जो आपका होता है ना आयताकार छेद करने के लिए मोटाइजन छैनी का प्रयोग किया जाता है। तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ चला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है 30, पूछा है कि विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर शार्प वेंट्स इन सीट मेटल, सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो सीट मेटल में तेज मोड़ के हेतु किस प्रकार इस जो स्टेक है उसका प्रयोग हम करते हैं, तो किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग करेंगे? हैटेज्ड स्टेक का हम प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ चला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है 31, पूछा है कि विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स, यानी कि कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए किस प्रकार की ठंडी छैनी का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की ठंडी छैनी का उपयोग किया जाता है, तो वो होती है आपकी डायमंड पॉइंट छैनी। ठीक है, डायमंड पॉइंट छैनी। अब भाई डायमंड पॉइंट छैनी है तो आप ये मत सोच लेना कि इसमें डायमंड लगा होता है। ठीक है, उस जिस प्रकार का डायमंड होता है उस प्रकार की क्या होती है? ये छैनी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है 32, जिसमें पूछा है आपसे कि विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज्ड टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग द आउटर एडिज ऑफ द मटेरियल्स। तो यहाँ आपसे पूछा है कि सामग्री के बाहरी किनारों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका जेनी कैलिपर। अब देखिए जेनी कैलिपर आगे आएगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे।
ठीक है, तो वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट। अब देखिए ड्रिल बिट, यदि आपने ड्रिल मशीन कभी देखी होगी, होल करते हैं दीवार वगैरह में, होल करते हैं कुछ लगाने के लिए, तो यहाँ पर क्या है, ये विट लगाई जाती है उसके आगे, है ना, कितने एमएम का छेद हमें करना है, तो उसके आगे क्या लगाई जाती है, बिट लगाई जाती है ड्रिल के आगे। एक ड्रिल में काफ़ी सारी बिट्स हमारी हमें मिलती हैं, तो हमें बताना है कि ये कौन सी बिट है, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। ठीक, तो ये कौन सी ड्रिल बिट हो जाएगी, टैपर सेंक बिट हो जाएगी हमारी। ठीक है, टैपर सेंक बिट, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको जाएगा। चलिए 34 क्वेश्चन है, पूछा है विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ ए टेनेंसा, यानी कि टेनेंसा आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। तो भाई किसके, टेनन आरी जो आपने देखी है उसके दांतों को, जो उसके दांत होते हैं उसको तेज करने के लिए, शार्प करने के लिए किस प्रकार की आरी का यहाँ यूज किया जाएगा। तो ये होती है आपकी ट्रेंगुलर रेती, ट्रेंगुलर फाइल या त्रिभुजाकार रेती हम इसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन है 35, पूछा है कि नेम द पार्ट मार्क्ड एज ऑफ द फाइल, एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। तो ये आपसे पूछा है यहाँ पर कि ये क्या है ना, तो ये क्या हो जाता है, हील हो जाता है। ठीक है, हील हो जाता है, ये क्या होता है, यहाँ पर शोल्डर होता है और इसे हम हैंडल कहते ही हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन आता है 36, पूछा है कि विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए मेटल ट्री विद 90 डिग्री वेंड एंड एन इन साइड फ्लेंज, यानी कि 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है, तो डियर यहाँ हम यूज करते हैं वी नोच का। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा आपका। ठीक है, देखिए हमारी वेबसाइट पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो डियर अपने फर्स्ट ईयर के मॉक टेस्ट वहाँ पर जाकर लगाएं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वर्कशॉप, कैलकुलेशन और थ्योरी के आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री हैं, तो आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन आता है 37, पूछा है कि इस टूल का नाम क्या है। देखिए इस टूल का नाम आपसे पूछा है, तो ये क्या है, देखिए पीछे आया था ना जैनी कैलिपर, जैनी कैलिपर आया था, तो ये ही होता है जैनी कैलिपर, कि जैसे ये आप देख रहे हैं ये वाली लैग इसकी, ये इसे क्या कर रहा है, पकड़ के रख रहा है इससे इसको, तो इसे हम कहते हैं जैनी कैलिपर। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज ऑफ चीजल, छेनी के एक्स से प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। ये नहीं, ये वाला पूछा है आपसे ये। ठीक है, तो ये आप क्या देख रहे हैं, एक सेंटर में है ये, है ना, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट एंगल हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, पॉइंट एंगल हो जाएगा। सो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका फर्मर छैनी का क्या उपयोग है। तो देखिए फर्मर छैनी किस प्रकार की होती है आपकी, इस प्रकार की इसमें बिट लगी होती है, आपने देखी भी होगी, है ना, एक सेकेंड रुके, इस टाइप से ये, है ना, यहाँ क्या लगा होता है आपका, हैंडल लगा होता है। तो ये क्या करती है, अब जब आप इसको पकड़ के किसी लकड़ी पर रखोगे और पीछे से इसको चोट मारोगे हथौड़े से यानी कि हैमर से, तो ये क्या करेगी, लकड़ी के कुछ फालतू भाग जो होता है एक्स्ट्रा उसको छीलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, पेरिंग एंड फिनिशिंग जॉइंट्स, यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन आता है 40 नंबर, पूछा है कि विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज्ड इफ वन पार्ट ऑफ ए जॉब मीट्स अनोदर पार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स। पूछा है आपसे कि किस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो किस प्रकार का अर्ध लैंप
जोड़ प्रयोग किया जाता है आपका, तो यहाँ पूछा है आपसे, तो डियर ये होता है आपका मिडल लैंप जोड़ यानी कि मध्य लैंप जोड़, यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। तो आज की क्लास यहीं पर आपकी ख़त्म होती है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।